एंटी एंटी एंटी। तो हेलो गाइस, जय माता दी, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो अपनी सुंदरी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी मेरा दोस्त चला रहा था। कौन चला रहा था, कैसे हुआ, ये सब बाद में बातें करते हैं। तो हम लोग गए हुए थे 4 करोड़ की लाइटिंग देखने के लिए, जो कि इंदौर में लगी हुई थी, क्योंकि बाहर से कुछ बिजनेसमैन आए हुए थे तो उनके स्वागत में लगाई गई थी। तो हम लोग व्लॉगिंग करने गए थे, तो रात को हम लोग जाते हैं, उसके बाद हम लोग सीधा पितृ पर्वत निकल जाते हैं। अब वहाँ से आते टाइम पे मेरे दोस्त ने गाड़ी मांग ली कि मैं चला रहा हूँ, तो अब मैंने उसको दे दी। उसके बाद क्या हुआ था सीन, कि एकदम से एक एक्टिवा वाले भैया आए, जिनके पीछे एक आंटी भी बैठे हुए थे, मतलब वो ओल्ड थे थोड़े से, और सीधा आके गाड़ी के अंदर घुस गए। अब पूरा शोर शराबा हुआ, एकदम खतरनाक। पहले आप फुल वीडियो देख लो, उसके बाद बाकी की बातें बाद में करते हैं। मैं फोटोज भी अपलोड कर दूंगा, सामने वाले का क्या कंडीशन हुआ, अपने सुंदरी में क्या क्या हालत खराब हुई है, और वीडियो पूरा देखना। तो क्या हो गया, ठंडी थोड़ी लग रही, ये ट्रैक मोड पे क्यों है, क्या कैसा रहता है? नहीं रे, तेरे जितनी गर्मा ठपता आती है बस। हेलो गाइस, जय माता दी, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज जा रहे हैं एयरपोर्ट रोड, बताइए आपको वीडियो पे। बहुत ज्यादा रहू देखा उधर, वो देखा तूने बिचासन, व्यू देख लेना सही आएगा। देखा तो है मगर याद नहीं है। अब तो लड़ आते अंकल, एंटी एंटी एंटी। तो आज अपन देखने जा रहे हैं 4 करोड़ की लाइट, जो कि इंदौर में रहवासियों ने नहीं, इंदौर सरकार या फिर इंदौर नगर निगम ने लगाई है, और साथ में हमारे आया भूसा भी जा रही है। आया भूसा वाले भाई साहब आगे निकलेंगे थोड़ा सा, जैसे आया भूसा नहीं है, दिखता रही है। ये लेन कराने की कोशिश मगर लेन, ओहो ये देखो बस लाइट, 4 करोड़ का खर्चा करा है नगर निगम ने इस पे। नगर निगम ने नहीं करा, नहीं कराएगा बोलते सरकार ने। अगर आपके पास GoPro नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से फोन से तो बनाओ मत, बिल्कुल मत बनाओ फोन से, क्योंकि चारों तरफ का कैप्चर ही नहीं होता है। आपको जो लोग बोलते हैं, आप तो फोन से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी अच्छी हो या ना हो, लेकिन आपको GoPro लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास GoPro नहीं है ना, तो आईफोन से काम चला सकते हो, आईफोन से काम चला सकते हो, लेकिन ये जो नॉर्मल बाइक्स है ना, इनसे काम बिल्कुल नहीं चला सकते। लेन करने के लिए बहुत सही जगह है ये। हाँ, 1 मिलियन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है वो मेरे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे। हाँ तो गाइस, अब प्लान चेंज हो चुका है, पितृ पर्वत जा रहे हैं बजरंगबली के यहाँ। आपको 4 करोड़ की लाइट तो दिखाई दी है, यही है। आप बोले क्यों, मैं नहीं जा रहा, अरे नॉर्मल चला, नॉर्मल चला, तेज नहीं चला सकते हो। एक तो मेरे को पता है दिखता नहीं है, बहुत पतली गली आ रही है। इससे ज्यादा गाइस नहीं भगा सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा रोड देखा हुआ नहीं है। अगर गड्ढे गुड्ढे आ गए, मतलब गड्ढे आ गए, तो अपन ढाई से गिरेंगे और ब्लॉगिंग गई भाड़ में, या 4 लाख की बाइक के साथ नुकसान हो जाएगा, ये जरूरी है। वाह, ये मेरा दोस्त, ये हीरो बन रहा है बहुत ज्यादा, इसको पता नहीं है साइन वर्सेस RR के साथ कौन जीतेगा। तो वो जीत तो हो भी सकता है, क्योंकि आपको वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस। सेकेंड चीज, आपको आपके पास जीरा होना चाहिए। अब ये लोग जान मुझको मेरे को उकसा रहे हैं कि मैं गाड़ी तेज चलाऊं, और
इनको पीछे छोड़ दूं तो क्या मजा आएगा, ये लोग मेरे भाई बंधु है, मैं इनको पीछे छोड़कर क्या दिखाना चाहूंगा कैमरे में, घमंड बिल्कुल नहीं है मेरे पास, ये बाइक है तो मैं तुमसे उम्म करके आगे निकल जाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ थी, और ये अपने भाई लोग हैं, मतलब बहुत ज्यादा लाइटिंग का इफेक्ट आपने देखा होगा पूरा, बहुत ज्यादा खतरनाक था, बहुत ज्यादा सही अवसर पर हम लोग आए यहाँ पर। तो अपनी सुंदरी का आगे का मास्क गया था एक साइड का इंडिकेटर चला गया था और नीचे का ये गया था, और डिस्क ब्रेक भी आड़ा हो गया था जिस कारण ब्रेक नहीं लग रहा था, गियर शिफ्टिंग भी आड़ा हो चुका था पूरी तरीके से। तो अब कितना खर्चा आएगा सुंदरी में, कब तक अपने को सर्विस के बाद गाड़ी मिलेगी, और अपना इंश्योरेंस क्लेम होगा कि नहीं होगा, और सामने वाली गाड़ी का भी अपने को ही कराना है, तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा क्योंकि मुझे भी अभी पता नहीं है। तो जब वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।